कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह, और दोस्तों टेक्नोलॉजी सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Xiaomi ने Xiaomi 11i सीरीज लॉन्च कर दिया है, सेल 12 तारीख से होने वाला है, लेकिन लॉन्च कर दिया। अब इसके बाद उनका अगला टारगेट होगा Redmi Note 11 सीरीज। Realme भी Realme 9 सीरीज के ऊपर काम कर रहा है, इसी महीने उनका Realme 9i लॉन्च होने वाला है। Redmi की तरफ से Redmi Note 11 सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा Redmi Note 11s, ये ग्लोबली जाएगा। इसके ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, एंड इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये इसका जो वेरिएंट्स है वो लीक हो गए हैं, प्राइसिंग इन सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता दूंगा। FCC पे लिस्ट हो गया है Redmi Note 11s, पॉसिबली फरवरी में आएगा। मार्च तक आपको Redmi Note 11 सीरीज के और सारे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। ये वाला स्मार्टफोन जो होगा ये Motorola के G71 जो आ रहा है ना उसको, और जनवरी में जो Infinix का 05G लॉन्च हो रहा है ना उसको टक्कर देने के लिए आएगा। प्राइसिंग इसकी कही जा रही 18,000 के आसपास होगी, 18-19,000 के आसपास, लेट्स सी देखते हैं। एंड ये FCC पे लिस्ट हो गया है, पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था इसका बेस वेरिएंट 6GB 64GB होने वाला है, एंड FCC पे वही लिस्ट हुआ है 6GB 64GB, यानी इसका बेस वेरिएंट एक्चुअली 6GB 64GB होगा, एंड एक्सपांडेबल स्लॉट के साथ आएगा तो आप स्टोरेज एक्सपांड कर पाओगे, इसीलिए चलो अच्छी चीज है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा इसकी प्राइस 18-19,000 के आसपास हो सकती है जो बेस वेरिएंट होगा, 18,000 मेरे हिसाब से। एंड क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, कुछ चीजें लीक भी हुई हैं पहले से ही, जिसमें सबसे पहला इसका डिस्प्ले था जो कि अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 90Hz का, 90Hz बताया गया, लेकिन ये नहीं कंफर्म है कि IPS है कि सुपर एमोलेड वाला होगा, तो मेरे हिसाब से 90Hz का सुपर एमोलेड का पैनल होगा। जो रूमर्स आ रहे हैं उससे पता चला कि 90Hz का सुपर एमोलेड का पैनल होगा, गोरिल्ला ग्लास रहेगा, पंच होल के साथ आएगा, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप रहेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, पीछे रेडमी की ब्रांडिंग रहेगी, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए अच्छी चीज है, तो हो गया डिस्प्ले एंड डिजाइन। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो वहां पे डेमेंसिटी का चिपसेट कहा गया, मैं बताता हूँ डेमेंसिटी का 810 वाला चिपसेट आएगा, 5G चिपसेट है, कुछ 7-8 बैंड के साथ आएगा 5G वाले, एंड माली G57 का GPU गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी कर पाओगे। स्कोर की बात करोगे तो इसका स्कोर जो है 3.5 लाख के आसपास जाता है, मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑक्टा कोर का है एंड 6 MAh है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको तगड़ी मिल जाएगी। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आएगा कहा जा रहा है, जो कि MIUI 13 के साथ आने वाला है ये स्मार्टफोन, कहा गया। पिछली बार मैंने एंड्रॉइड 11 कहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये एंड्रॉइड 12 के साथ MIUI 13 के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स सी देखते हैं क्या लेकर आते हैं। देन इसके बाद कैमरा कहा गया 108 MP वाला होगा, 108+8+2 MP का, 108 MP प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि 16 MP का फ्रंट कैमरा होगा, रियर साइड से 4K कर पाओगे, फ्रंट वाले से 1080, रियर साइड पे फ्लैश रहेगा, फ्रंट वाले में नहीं रहेगा, कैमरा डिपेंड करता है कैसा ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन डिसेंट कैमरा आपको मिलने वाला है। देन इसके बाद बैटरी पे चलते हैं, तो नॉर्मली अभी तक जो कोई बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 5000 mAh की बैटरी रहेगी, 33W का आपको चार्जर मिलेगा टाइप सी के पोर्ट के साथ, यही उनका सेटअप है, यही मिलेगा, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बाकी सारी चीजें ऑब्वियसली बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो 5000 mAh की बैटरी, 33W का चार्जर, ज्यादा 67W वाला एक्सपेक्ट मत करना, यही आएगा। सेंसर्स की बात करोगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर, स्टीरियो स्पीकर्स, IP52 की पॉसिबिलिटी रेटिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। स्लॉट की बात करें तो मेरे हिसाब से एक्सपांडेबल होगा, अब हाइब्रिड होगा डेडिकेटेड होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एक्सपांडेबल होगा, एक्सपांड कर पाओगे। बेस वेरिएंट FCC पे आ गया है, 6GB 64GB बेस होगा, 6GB 128GB 8GB 128GB, ये तीन वेरिएंट तो कंफर्म है, बाकी का लेट्स सी देखेंगे क्या लेकर आते हैं, जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन वैसे आपको बता दूंगा। फरवरी तक ये ग्लोबली भी जाएगा, और फरवरी में कहा जा रहा है इंडिया भी आएगा, मतलब स्टार्टिंग में पॉसिबली ग्लोबली जाए एंड एंड होते होते ये इंडिया आ जाए, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे बता दूंगा। जैसे मैंने कहा ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन में से कंफर्म है, जैसे 108 MP वाला कैमरा, डेमेंसिटी का चिपसेट और 90Hz का पैनल, बाकी सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, हो सकता है एक दो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीजें यही होने वाली है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेट्स सी देखते हैं क्या लेकर आते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम है जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों